नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो एड्रेनलिन को स्टॉप करते हैं। मींस एड्रेनलिन का काम होता है उसका अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि हमने एक पहले वीडियो में देखा है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन दोनों का काम होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना या फिर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स तैयार करना, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करना, और बीटा ब्लॉकर जस्ट उसके अगेंस्ट में अपोजिट काम करता है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ बीटा ब्लॉकर? तो बीटा ब्लॉकर वर्क मेनली बाय स्लोइंग डाउन द हार्ट। बीटा ब्लॉकर का काम होता है हार्ट को स्लो डाउन करना। ब्लॉक एक्शन ऑफ हार्मोन लाइक एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसके एक्शन को ब्लॉक करना। नेक्स्ट है, व्हाट आर इंडिकेशंस फॉर बीटा ब्लॉकर? अब किन कंडीशंस में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं? तो इसका आंसर है एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। मेनली हम जो बीपी बढ़ जाता है उसमें हम बीपी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, यानी कि हाई बीपी की कंडीशन में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन टाइप्स एंड ब्रांड्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स? तो कॉमन टाइप्स एंड ब्रांड्स कौन से हैं इसके? तो ये हैं एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल एंड टाइमोलॉल। फोर्थ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बीटा ब्लॉकर्स स्टॉप और रिड्यूस, क्या स्टॉप करते हैं या किस चीज़ को कम कर देते हैं? तो इसका आंसर होगा बॉडीज़ नेचुरल फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जो बॉडी का नेचुरल फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है उसको ये स्टॉप कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स? तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है इसका ड्राई माउथ, स्किन एंड आइज़, इनको ड्राई कर देता है। स्लो हार्ट बीट, हार्ट बीट को कम कर देता है। कोल्ड फीट एंड हैंड्स, नोजिया, वीकनेस एंड डिजीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्लासीफाई बीटा ब्लॉकर्स? तो दो तरह के होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, दो तरह से क्लासीफाई होते हैं। एक होता है कार्डियो सेलेक्टिव, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, स्पेशली हार्ट पर वर्क करता है। दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव, मीन्स जो हार्ट के अलावा किडनी, लंग्स एंड जीआईटी पर इफ़ेक्ट डालता है। सेवन क्वेश्चन है, वाइटल साइंस दैट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ए पेशेंट ऑन ए बीटा ब्लॉकर। यदि एक पेशेंट बीटा ब्लॉकर है पे है तो हम उसके कौन से वाइटल साइंस स्पेशली मॉनिटर करते हैं? तो इसका आंसर होगा पल्स एंड ब्लड प्रेशर, स्पेशली पल्स एंड ब्लड प्रेशर उसका हम मॉनिटर करते हैं। एट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रॉपर मेथड फॉर टेकिंग ए पेशेंट ऑफ बीटा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर को बंद करने के लिए हम क्या स्पेशल मेथड अपनाते हैं? तो ये मेथड है ग्रेजुअल विड्रॉल ओवर 1 to 2 week, 1 से 2 week तक धीरे धीरे इसको टेपर ऑफ किया जाता है। नाइन क्वेश्चन है, कंडीशंस मास्क बाय बीटा ब्लॉकर्स, कौन सी कंडीशंस हैं और जो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं यदि हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देते हैं? तो इसका आंसर होगा शॉक एंड हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि शॉक एंड हाइपोग्लाइसीमिया तो बीटा ब्लॉकर कॉज करता ही है। तो यदि इसको हम और दे देते हैं उस पेशेंट को तो ये दोनों कंडीशंस इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरह से बीटा ब्लॉकर काम करता है हार्ट को स्लो डाउन करने का, और ये एड्रेनलिन के अगेंस्ट में, जो एड्रेनलिन काम करता है उसके अपोजिट काम करता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।